महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 27 अगस्त को होने वाला है और आज आपका 15 अगस्त है, यानी कि टोटल आपके पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस मौखिक टेस्ट के रूप में बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। ऐसे आपको एग्जाम में सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए खासतौर पर, बिल्कुल प्रैक्टिस और रिवाइज करके जाइएगा। टोटल 30 MCQ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए। खास तौर पर यह वीडियो महिला पर्यवेक्षक वालों के लिए आंगनबाड़ी से संबंधित, जो कि स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रश्न है। मानव शरीर और भोजन जो इससे ईंधन देते हैं और एक परिणाम के रूप में एक साथ आए हैं, उसे हम एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि कहते हैं। चलिए, ये तो पहला मैं क्वेश्चन आप सभी का आंसर दे दिया, और आप इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करते चलिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। आप छाई रोग सबसे निकट से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। सेकंड का बी बिल्कुल सही है, सभी लोग आंसर आना चाहिए ना। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कर जाइए, मौखिक टेस्ट ग्रुप में टोटल 30 MCQ करेंगे। ये लास्ट क्लास है जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न, ठीक है। आ जाएगा समृद्ध जीवन शैली, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं, किसको छोड़कर बोला गया है, पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसा पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से आपको पोषक तत्व मिलता है, जबकि प्लाज्मा से क्या, प्लाज्मा कोई पोषक तत्व है नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, है ना, तीसरा का ए। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर, मतलब इन चारों में से किसको छोड़कर पाए जाने वाले तत्व, यानी कि पोषक तत्व, प्रोटीन क्या है आपका पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट क्या है पोषक है, विटामिन क्या है पोषक तत्व है, जबकि प्लाज्मा नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा का देखते हैं क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। चौथा का लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को खाली स्थान में तोड़ता है साधारण शर्करा में, इसका आंसर चौथा का डी। पांचवा का क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। पांचवा, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, या वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी होगा, वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को अंजाम देने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए छठवा का जल्दी बताइएगा। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है, पुष्टिकर, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या वसा अम्ला। तो छठवा का आंसर बिल्कुल डी होगा, वसा अम्ला, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पोषक तत्व तो होता है आपको वसा और अम्ल से मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आएगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ वसा अम्ल पूछा गया है जो कि शरीर के लिए आवश्यकता होती है। हाँ, हमारा मेहनत को देखते हुए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत से आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट क्लास लेकर आते हैं। वीडियो में लाइक बनता है, इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक से ऊपर आना चाहिए। चलिए सातवां का, भोजन पेट से सीधे क्या गुजरता है, भोजन पेट से क्या गुजरता है। देखिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, दिल, अग्नाशय, सभी के सभी लोग कमेंट करने स्टार्ट कीजिए जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का काफ़ी समय नहीं है, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, 27 को उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, रिवाइज करना है, अब पढ़ने का समय नहीं है, बिल्कुल रिवाइज करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट लो, मौखिक टेस्ट लो, जितने भी क्वेश्चन बनता है करो, लेकिन प्रैक्टिस सेट करके जाओ, क्योंकि मेरे वीडियो में आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी का वीडियो आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखना, है ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं राकेश, ये सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के लिए है, आप बाहर जा सकते हैं, ब्लॉकेड, ब्लॉक कर दिया हूँ आपको, क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के लिए है। भोजन पेट से सीधे खाली स्थान से गुजरता है, छोटी आंत से, सातवां का आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है आठवां, क्या है जल्दी से बताइएगा। एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है, जल्दी बताइए, एक खनिज जिसे शरीर को ठीक करने से काम की आवश्यकता होती है, क्या आएगा आठवां का, बिल्कुल ए, कैल्शियम, क्योंकि आठवां का आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पर, एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की जो आवश्यकता होती है
इसका कैल्शियम होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करना है, बिल्कुल सही है। महिला क्या नाम है, महिला नहीं मनीषा, मनीषा और क्या नाम है आपका गीतांजलि, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी उनका लोग कैसे कमेंट में नहीं आ रहे आंसर, सभी लोगों का आना चाहिए यहाँ पर, गधे के तौर पर नहीं बैठना ना, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना, सिलेक्शन लेना है। संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है, किडनी खराब, बुलमिया, एनोरेक्सिया या हृदयवाहिनी रोग। इसका आंसर डी होगा, हृदय रोग है ना, हृदय रोग आएगा। चलिए दसवां का जल्दी बताइए क्या आएगा, माई प्रेमेट का, हाँ माई प्रेमाइन खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा को खाली स्थान से प्राप्त करना चाहिए, किससे करना चाहिए, वसा तेल और कठाई से, दूध दही या पनीर से, या वर्षमी तेल या नट मछली से, गोमांस चिकन और मछली से। क्या है दसवां का, बिल्कुल सही आंसर है बी, वनस्पति तेल से, ठीक है। ग्यारहवा का क्या है जल्दी बताए, ग्यारहवा का ये ऊर्जा एक इकाई है, ऊर्जा क्या है, एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है, क्या है लेबल, फूड गाइड, कैलोरी, टोकरी। ग्यारहवा क्या है जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है कैलोरी आंसर, ठीक, धन्यवाद। मनीषा का सबसे पहले आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं मनीषा, उसके बाद है गीतांजलि, रमीना, रीना। यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा को सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा है, मांस समूह, वसा तेल, रोटी और अनाज, दूध और पनीर। तो देखिए रोटी को हम ब्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ब्रेड और अनाज आएगा इसका आंसर, आंसर आएगा इसका सी। क्या ब्रेड, ब्रेड कैसे नहीं कहेंगे भाई, रोटी को हम ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड लेगा इसका व्यापम, ब्रेड ले सकता है, देखिए यहाँ पर लिया भी आंसर है ना, रोटी को ब्रेड भी कहा जाता है। चलिए इसका बताइएगा, खाद्य लेवल में इनमें कौन सा आवश्यक है, खाद्य लेवल के लिए संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा या ऊपर के सभी, तीनों बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। खाद्य लेवल में कौन सा आवश्यक है, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, चावल से मिलता है ना, लोहा भी चाहिए, शर्करा भी चाहिए, बिल्कुल सही है इसका आंसर डी होगा। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी। तो ब्रेड क्या है, किससे बनता है, रोटी से ही बनता है ना, अनाज, चावल, पास्ता क्या है, सभी चावल से बनते हैं, तो चावल से बनते हैं मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका आंसर क्या होगा ए। किसका बी आ रहा है, बी कैसा होगा, यहाँ पर वसा पूछा है क्या, यहाँ पर विटामिन कोई नहीं पूछा है, तो कैसे, देखिए यहाँ पर ब्रेड, अनाज, चावल, पास्ता, ये सभी चारों चीज जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ना विटामिन पूछा है, ना कैल्शियम, ना विटामिन डी पूछा है यहाँ पर, ओके। चलिए पंद्रह का देखते हैं, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजकता के लिए यह पोषक तत्व है, रेशा, विटामिन के, विटामिन सी या फ्लोराइड। पंद्रह का आंसर बिल्कुल सी होगा, विटामिन सी। खट्टे फल का उत्तरी स्रोत क्या है, खट्टे फल किससे मिलते हैं, कैल्शियम से, विटामिन सी, विटामिन बी या कैलोरी, विटामिन सी से मिलता है ना खट्टा फल, खट्टा फल जैसे आंवला हो गया है, आम क्या है खट्टा मीठा फल है, इमली हो गया है, ये सब मिलता है ना। चलिए सत्रह का क्या आएगा, मांस, मुर्गी पालन, मछली की सूखी फलियां और अंडे, मेवा और समूह के खाद्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लोहा, रेशा, बीटा कैरोटीन या कैल्शियम, क्या आएगा जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल तैयारी कीजिए, एक बार में याद नहीं होता वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा आपको याद नहीं होता वीडियो को, एग्जाम दिलाने से पहले आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डेली आपको करा रहा है, प्लेलिस्ट पर जाइए हमारा, मिल जाएगा महिला परीक्षा की क्लास, जिसमें पूरा जितने भी मैं सीरीज वाइज करा रहा हूँ सभी के सभी एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया प्लेलिस्ट है, या फिर हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब का बटन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर सत्रह का, वेरी गुड आंसर है लोहा। हाँ क्या है रमीना, हाँ प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लास मिल जाएगा महिला परीक्षक का, सभी क्लास एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल पूरा क्लासेस कराया है महिला बाल विकास की विभिन्न योजनाओं से, हाँ बिल्कुल क्लास कराए हैं, जाइए इस वीडियो को पहले ख़त्म कर लीजिए उसके बाद देख लेना, ठीक है। इनमें से किस पोषक तत्व नहीं माना जाता, पोषक तत्व कौन सा है, देखिए पोषक किससे मिलता है, खाने पीने से मिलता है, विटामिन से मिलेगा, खनिज पदार्थ से मिलेगा, वसा से मिलेगा, रेशा से थोड़ी मिलता है, रेशा खाने का चीज़ है क्या, आंसर सी होगा, उसको फाइबर कहा जाता है, ठीक है, रेशा को।
इसका बताइएगा इनमें से कौन सा खाद्य लेबल में जोड़ा जाता है जो क्योंकि लोग कभी भी इसका पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते। मोटा, कैल्शियम, सोडियम क्लोरेस्टा, क्या आएगा जल्दी से बताइए इसका आंसर। 19 का, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया 19 का। क्या है कैल्शियम ना, हाँ बिल्कुल सही है कैल्शियम आएगा, वेरी गुड। किस भोजन में सबसे अधिक वसा होता है, ग्रा क्रैम, ब्राउनीज, पुडिंग या एंजल फूड केक, क्या आएगा 20 का। ब्राउनीज, ब्राउनीज में सबसे ज़्यादा वसा होता है। दूध पनीर और दही समूह क्या है, दूध पनीर दही क्या चीज़ है ये, मजबूत हड्डियाँ, दांत, मांसपेशियाँ, ऊपर के सभी, क्या है इसका आंसर, बिल्कुल डी होगा। हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियां की आवश्यकता होती है, 300 से 500 कैलोरी, 300 से 500 कैलोरी के बीच आवश्यकता होती है सब्जियां, ठीक। निम्नलिखित कौन सा पोषक तत्व, तत्व साइनाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, सी डी के ए, क्या है जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी ए के डी, क्या है विटामिन पूछा गया, सनशाइन, सनशाइन मतलब होता है सूर्य, सूर्य। अब कई लोग बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं ना, यहाँ पर देखिए सनशाइन बोला मतलब समझते नहीं कई बच्चे, सनशाइन का मतलब बेटा होता है सूर्य, सूर्य कैसा दिखता है, इस प्रकार दिखता है ना, ये पूरा है ना, क्या आएगा जल्दी बताओ। 23 का विटामिन डी, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है, मजबूत हड्डी, हड्डी के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, थायमिन, क्या आएगा 24 का। थायमिन आवश्यकता होती है, विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलता है, हड्डी को मजबूत बनाती है, लेकिन थायमिन जो है ना सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। शरीर के संरचनात्मक घटनों को, घटकों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व है, पोषक तत्व बोला गया बेटा, हाँ क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मोटा या रसा। 25 का आंसर होगा आपका प्रोटीन, ठीक। हम इतना मेहनत से वीडियो को क्लास ले रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा ना, लाइक आना चाहिए, इतना हमारा मेहनत जाया नहीं होना चाहिए ना। आप सभी के बिल्कुल फ्री क्लास ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया रहा है, बिल्कुल आपको फ्री यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, हमारे मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम क्लास ले पा रहे हैं, बच्चे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, और पसंदीदा चीज़ रहना चाहिए ना, ना कि देखिए यहाँ पर अब वीडियो देख के जा रहे हो, मतलब देख लिया का मतलब ऐसा नहीं है कि है ना, मैं कह रहा हूँ समझ रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगेगा क्या। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, मेहनत कर से आपके लिए इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा है, उसको लाइक नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा उसको, बताइए। हाँ लाइक कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक बस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना है बिल्कुल, प्रैक्टिस सेट करिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए तो नहीं है। क्या आएगा 26 का कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर क्यों मिला, यहाँ पर लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास कराएंगे, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। मच्छर भी आने लगा है यहाँ पर बहुत सारा, लाइट बंद हो चुकी है ना, गर्मी लग रहा है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा है, तो 26 का आंसर कौन सा होगा, बी कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 किससे मिलता है, मक्का, गेहूं, सुअर या सार्डिन, क्या है सार्डिन, आंसर 4 यानी कि डी। यह एक खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यकता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया है ना, एनीमिया रोग, कमी से कौन सा, एनीमिया रक्त लाल रक्त कोशिकाओं से, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन या क्रोमियम, 28 का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ए लोहा। चलिए स्वास्थ्य दृष्टि के लिए पोषक तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, के, लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए, तो 29 का आंसर कितने लोगों का आ रहा है, विटामिन ए, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य दृष्टि से ना विटामिन ए से रेटिनार रोग होता है, उसे रंधौती रोग कहते हैं, रंधौती रोग, ठीक है। स्वास्थ्य दृष्टि यानी कि रंधौती रोग होता है, इसके कौन सा विटामिन ए, और विटामिन ए किससे मिलता है, आम से बेटा, आम से, गाजर से, ठीक है। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, 30 MCQ कर चुके हैं और इनका आंसर बताइएगा। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेली फूड फाइट सुझाव देती है, और वसा तेल में कटनाई और विनाइट के समूह को उपयोग किए जाते हैं, कौन सा, एक सप्ताह में एक बार, दिन में 4 बार, रविवार को कभी नहीं, या किफायत से,
तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये आपका डेली क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे मेहनत को देखते हुए ना जाया कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डेली क्लास करते रहिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं।